अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास टू बटरफ्लाई साइंस। और इसका आज हमारा न्यू सेशन का फर्स्ट वाला टॉपिक है और हमारे टॉपिक का नेम है माय फ्रेंड एंड आई। इसमें हमें आप पेज नंबर टू ओपन करें ना, ठीक है। आज हम अपनी बुक का पेज नंबर टू, जो फर्स्ट वाला टॉपिक है हमारा लाइफ साइंसेज में, उसको करेंगे। यहाँ पर हमें ये बॉय नजर आ रहा है और इस बॉय का नेम क्या है, अहमद। ठीक है, वो बता रहा है हमें कि जब मैं बेबी था तब कैसा था, फिर ग्रो किया तो जो भी उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आए वो लिखा, ठीक है वो। और साथ ही साथ वो अपने फ्रेंड के बारे में, एक प्लांट है वो उसका फ्रेंड है, ठीक है। वो कहता है माय फ्रेंड एंड आई, भी मेरा दोस्त और मैं। तो हमें अपने फ्रेंड के बारे में और अपने बारे में सब कुछ बता रहा है। तो साथ में उसका जो फ्रेंड है प्लांट, उसके बारे में वो बता रहा है कि जब वो बेबी था फिर कैसे उसको फूड मिली, वो ग्रो किया। और फिर हमें बताएगा कि हम दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। हम दोनों लिविंग थिंग्स तो हैं लेकिन हमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले आप अपना पेज नंबर टू ओपन करें अपनी बुक का, ठीक है। पेज नंबर टू से पहले हम आज अहमद के बारे में पढ़ेंगे कि अहमद हमें अपने बारे में क्या बता रहा है। वो कहता है हमें, हाय फ्रेंड्स, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। सबसे पहले हमें वो कहता है कि मुझे अपना आप इंट्रोड्यूस करवा लेंगे आपके साथ। अब आपने अपनी बुक्स खोली हुई हैं क्या, आप देख रहे हैं सामने, तो आपको पता चल रहा होगा। आप इस बॉय को देखेंगे तो पता चलेगा कि जो हमें हाय कह रहा है, फ्रेंड्स कह रहे हैं हमें, वो कौन है हमारे पास, अहमद, ठीक है, जो हमें अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा है। आई एम अहमद, आई एम अ लिविंग बींग। मैं अहमद हूँ और मैं क्या हूँ, लिविंग बींग हूँ। आई नीड फ्रेश एयर, वाटर एंड फूड्स टू लिव। इस तरह से वो हमें ये भी कहता है कि मुझे फ्रेश एयर चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है और फूड चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। आपको भी पता है कि कोई भी लिविंग थिंग है उसको ये तीनों चीज़ें जरूर चाहिए होती हैं। अगर हमें एयर नहीं मिलेगी तो हम क्या ब्रीथिंग नहीं कर सकेंगे, क्या जब ब्रीथिंग नहीं कर सकेंगे तो हमारी डेथ हो सकती है। इसी तरह से वाटर जो है वो बहुत प्रीशियस थिंग है इस वक्त पे। वाटर के बगैर भी हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि खाना खाए बगैर तो हम एक वीक गुजारा कर सकते हैं, लेकिन वाटर के बगैर हम एक दिन तक भी जिंदा नहीं रह सकते। एक दिन भी अगर हम वाटर के बगैर निकालें तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसी तरह से फूड भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है और फूड के बगैर भी हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो ये तीनों चीज़ें जो है, फ्रेश एयर, वाटर और फूड, ये लिविंग थिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से वो कहता है कि मैं बहुत सी ऐसी फूड्स खाता हूँ, यूज़ करता हूँ जो मुझे हेल्दी रखती है, ठीक है। जैसे कि वो कहता है मैं मीट यूज़ करता हूँ, वेजिटेबल्स यूज़ करता हूँ, ब्रेड, मिल्क, बटर एक्सेट्रा और बहुत सी चीज़ें यूज़ करता हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, मैं जिंदा रह सकूँ, मैं हेल्दी रह सकूँ। और वो हेल्दी रहने के लिए सारी फूड्स यूज़ करता है। कौन यूज़ करता है ये सारी चीज़ें, अहमद, ठीक है, जो हमें अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा है। अहमद हमें कह रहा है कि मैं लिविंग हूँ, क्या है मुझे जिंदा रहने के लिए, हवा चाहिए होती है फ्रेश, इसके बाद वाटर, फूड वगैरह चाहिए है, इसके अलावा मैं वो फूड यूज़ करता हूँ जो मुझे हेल्दी रखती हैं, ठीक है। उसमें हमें उसने डिफरेंट फूड्स बता दिए और जो फूड्स वो हमें बता रहा है वो मैंने यहाँ मैंशन नहीं है लेकिन बुक पर मैंशन है, वो क्या है, हेल्दी फूड, जैसे मीट है, ब्रेड है, मिल्क, बटर एक्सेट्रा, ठीक है। उसने हमें इसमें पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह के बारे में नहीं बताया, क्यों, क्योंकि वो हेल्दी फूड्स नहीं है और वो हमें हेल्दी भी नहीं रख सकते। इसलिए हमें वो फूड्स के बारे में बता रहा है जो हेल्दी होती हैं और जो हमें हेल्दी रख सकती हैं, ठीक है। इसी तरह से कहता है कि जब मैं छोटा था, जब मैं बेबी था, स्मॉल बेबी, तो मेरे हाथ छोटे छोटे से थे, मेरे फीट बहुत छोटे छोटे और मेरी हाइट भी क्या थी, बहुत छोटी थी। लेकिन कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आई एम गेटिंग बिगर, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं इनडोर और आउटडोर बहुत सी गेम भी प्ले करता हूँ, ठीक है। कहता है मैं रात को सोता भी हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं बुक में सामने दिखाती हूँ सारा, क्या अहमद जो है वो हमें क्या कुछ कह रहा है अपने बारे में, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर ये अहमद, वो जब बेबी था तो वो इस तरह से छोटा सा था, उसके स्मॉल हैंड्स थे, फीट थे, और अब क्या हो गया, वो बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब उसकी बॉडी भी ग्रो करती जा रही है और साथ ही साथ हमें डिफरेंट फूड्स पीछे नज़र आ रही हैं, हेल्दी फूड्स, ठीक है, मीट वगैरह, वेजिटेबल्स एंड डिफरेंट जो नज़र आ रही हैं। तो वो कहते हैं मैं ये फूड्स यूज़ करता हूँ ताकि मैं हेल्दी रह सकूँ और हेल्दी रहने के लिए हमें इन जो इंपॉर्टेंट फूड्स हैं, हेल्दी फूड्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस पेज को अच्छी तरह से रीड आउट करना है। मैं आपको एक दफ़ा रीड करवा देती हूँ। हाय फ्रेंड्स,
लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम अहमद, आई एम अ लिविंग बींग। कहता है हाई फ्रेंड्स, मुझे अपना आप इंट्रोड्यूस करवाने दें आपके साथ में, मैं अहमद हूँ और मैं लिविंग बींग हूँ। आई नीड फ्रेश एयर, वाटर एंड फूड्स टू लिव। कहता मुझे फ्रेश एयर चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है और फूड्स चाहिए होते हैं जिंदा रहने के लिए। आई ईट एवरी थिंग डैट कीप्स मी हेल्दी। कहते मैं हर वो चीज़ खाता हूँ, यूज़ करता हूँ जो मुझे हेल्दी रखती है। लाइक वेजिटेबल्स मीट ब्रेड मिल्क बटर एट्सेट्रा। कहता कि मुझे इन सारी फूड्स की ज़रूरत होती है जो मुझे हेल्दी रखती हैं, क्योंकि ये सारी हेल्दी फूड्स हैं। When I was a small child, I had small hands। कहता जब मैं छोटा बेबी था तो मेरे हैंड्स बिल्कुल छोटे थे। जैसे यहाँ पर आपको बेबी नज़र आ रहा, तो बेबीज आप अक्सर देखते हैं उनके छोटे छोटे से हैंड्स होते हैं ना। हाइट एंड फीट। कहता मेरी हाइट भी छोटी थी और मेरे फीट भी छोटे थे। नो आई एम गेटिंग बिगर। कहता मैं बड़ा हो रहा हूँ। आई प्ले डिफरेंट इनडोर एंड आउटडोर गेम्स। और मैं बहुत सी जो मुख्तलिफ किस्म की इनडोर और आउटडोर गेम्स, यानी कि घर के अंदर और घर के बाहर बहुत सी गेम्स भी खेलता हूँ। आई स्लीप एट नाइट। और मैं रात को सोता हूँ। ये हमें अहमद अपने बारे में बता रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने पेज नंबर 2 को घर में अच्छी तरह से रीड आउट करना है और देखना है कि आप कौन कौन सी हेल्दी फूड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कल हम पेज नंबर 3 को करेंगे अहमद के फ्रेंड के बारे में। ओके, अल्लाह हाफिज़।